तो भाई लोग देख रहे हो सामने से किरणें पड़ रही है और कितना मस्त लग रहा है यार। भाई चेक करो कि भाई ये खड़ी अपनी एंटो और यहाँ से देखो भाई कितना सुंदर नजारा है भाई, कितना अच्छा व्यू है यार। तो भाई सामने चेक करो यार कितना अच्छा है यहाँ पे धर्मपुर रेलवे स्टेशन, तो सामने लिखा है धर्मपुर हिमाचल प्रदेश। आपको भी पता ही है कि यार एंटो और पे ना लीन करना थोड़ा यार डेंजर सा होता है कि यार। तो गाइस चलो पहले करवा लेते हैं हम फ्यूल अप और फिर देखते हैं, पहले हम फ्यूल अप करवा लेते हैं से ना थोड़ा सा। तो चलो गाइस निकलते हैं, अब अपने ने करवा लिया यहाँ से फ्यूल अप, अब निकलते हैं करते हैं अपनी राइड स्टार्ट और करते हैं अपना इंट्रो। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप एवरीवन इज गुड और गुड होने भी चाहिए। तो गाइस रही मेरी बात, आई एम ऑल्सो गुड और बाकी सब बढ़िया ना गाइस, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना आपके लाइफ में। तो गाइस सारे कमेंट करके बताओ हाउ इज योर फैमिली एंड हाउ इज यू। तो गाइस सामने चेक करो कितनी लाइट है यहाँ से निकालते हैं। तो गाइस आज की जो राइड होने वाली है बहुत बॉम होने वाली है और गाइस आज हम जाने वाले हैं पहाड़ों में। तो गाइस आज की जो राइड है वो फ्लाईओवर से लेके पहाड़ों तक रहेगी, बस आप राइड कंटिन्यू देखना और आप इस ब्लॉक को एंजॉय करना। तो गाइस चलो निकलते हैं यहां से फुल पावर में। और गाइस एक ब्लॉग मैंने कल बनाया था यार, कल वो मैंने पूरा एडिट किया यार, एप्लीकेशन में ना पूरा एडिट किया गाइस, कंप्लीट हो चुका था गाइस, वो सेव ही नहीं हो रहा। उसके बाद में मेरा बहुत मूड खराब हुआ यार, क्योंकि वो ब्लॉग मुझे आज डालना था सुबह के टाइम में, बट गाइस मैं डाल नहीं पाया, इसके लिए सॉरी यार। एप्लीकेशन में पता नहीं क्या हो गया यार, अगर आपको कोई एप्लीकेशन पता है जो बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है तो गाइस मुझे कमेंट करके यार बता दो, मैं उसे ही एडिट करना स्टार्ट कर दूंगा और आपके लिए ब्लॉग सुबह के टाइम डाल दिया करूंगा गाइस। एक उसके सेव ना होने से आज का ब्लॉग रह गया गाइस, इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी कि पूछे मत यार, वो पूरा ब्लॉग मुझे डिलीट करना पड़ गया जो एज इट इज मैंने ब्लॉग को एडिट किया था इतनी मेहनत से, पूरी रात उसमें लगाई, बट गाइस सुबह के टाइम वो डिलीट करना पड़ गया यार। आप सोच सकते हो कि यार कितने बड़ा दुख होता है ना यार, पूरी चीज एडिट करो देन फिर डिलीट करो यार, ये बंदा ना वही जान सकता है जो वीडियो मेकर है भाई। और बाकी गाइस आप मुझे बता देना कि यार आपके दिमाग में कोई अच्छी एप्लीकेशन हो जो वीडियो एडिटिंग वगैरह कर दे तो गाइस मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना। अभी मैं एंड्रॉइड यूजर हूँ गाइस, मेरे पास स्मार्टफोन है, यू कैन चेक गाइस। हम आ चुके हैं फ्लाईओवर, लेकिन गाइस आज हम फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, हम नीचे ही रहेंगे। आज जो आपको नीचे वाला रास्ता दिखाते हैं कि भाई नीचे वाला रास्ता कैसा होता है गाइस, सामने चेक करो वहां से प्रवेश द्वारा। लेकिन गाइस आज ऊपर नहीं जाना, हमें आज नीचे से ही ब्लॉग शूट करना है आपके लिए। तो गाइस सामने चेक करो गाइस ये कितना बॉम लगता है ना यार, रोड फ्लाईओवर की ना यार बात ही अलग होती है यार, फ्लाईओवर पर राइड करने का ना अलग ही मजा है भाई, अलग ही। चेक कर रहे हो गाइस कितना मस्त लग रहा है ना रोड यार, अरे ऑसम यार। भाई यहाँ पे चेक करो कि यार यहाँ पर ना ऐसा सा कुछ होता है, नीचे की साइड में ऊपर फ्लाईओवर चल रहा है और नीचे हम है। और भाई आप देखना भाई ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है आज आपको ना, टाइम से देख रहा हूँ कि यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम और पता नहीं ये बन क्या रहा है, जब बन जाएगा तो गाइस सब चेक करवाऊंगा आपको कि भाई क्या बन रहा है यहाँ पे। और गाइस आप जो मुझे प्यार दिखाते हो मेरी वीडियोस पर भाई, इसके लिए दिल से थैंक यू यार, दिल से थैंक यू भाई, आप मुझे बहुत प्यार दिखा रहे हो यार यूट्यूब पे ना, बहुत थैंक यू सो मच भाई। अच्छा लगता है कि यार आप ना जब मुझे प्यार दिखाते हो ना यार ब्लॉग्स में, तो भाई बहुत अच्छा लगता है यार, मन करता है कि यार और ब्लॉग्स बनाओ यार। आने वाला है अब टूल प्लाजा, टूल प्लाजा से तो भाई अपना आपको पता ही है हो जाता है शिमला वाला रोड स्टार्ट। एक बात और कहने वाला था कि यार मुझे ना यार आपके साथ राइड पे जाना यार, एक अच्छी सी लॉन्ग राइड पे मैं रखने का कोई प्लान कर रहा हूँ कि भाई कोई अच्छी सी लॉन्ग राइड हो। तो गाइस जल्दी से आप अपने भाई के बनके करवा दो, बनके के बाद अपन सोचेंगे कि भाई एक लॉन्ग राइड रखनी है हमने अपने लिए, और हम तो सब चलेंगे, पूरा परिवार चलेगा अपना लॉन्ग राइड पे, मतलब परिवार यानी कि आप सब और मैं। देखो यार हम आ गए हैं टूल प्लाजा पे, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं फटाफट। तो गाइस आपको शायद से यहाँ पे पहाड़ नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन गाइस मुझे यहाँ से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं गाइस, बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। यार पहाड़ों में इतना अच्छा क्यों लगता है यार भाई, यहाँ के जो बंदे होते होंगे ना जो रहते होंगे यार, वो ना स्वर्ग से कम जगह पे नहीं रहते भाई, बहुत अच्छी जगह रहते हैं यार। कि यार कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे ना यार, क्योंकि लाइटें अभी अभी ना यहाँ से ग्रीन हुई थी यार, तो ट्रैफिक तो ऑब्वियसली होना ही था, लेकिन कोई नहीं गाइस इसको हम चीर फाड़ते हुए चलते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो गाइस ज़्यादा देखते हैं कि भाई आज हमारी राइड कहाँ तक रहती है और कहाँ तक हम आज जाएंगे। पहुँच चुके हैं अपने फेवरेट बीच पे, तो यार मुझे पीछे से शूट करना था लेकिन यार मेरा दिमाग कहीं और ही था यार, मेरा ध्यान नहीं रहा। इसमें अभी पैटो डलवाया था यार, इसमें सेल आ जाना चाहिए था बट यार एक भी सेल नहीं आया, और मैंने 150 रुपीज़ का पैटो डलवाया था। इसमें ना इसकी एवरेज भी ठीक है गाइस, कम से कम 40 to 50
50 आराम से दे देती है ये निकाल के। लेकिन गाइस अभी तक ना मैंने इसमें पेट्रोल डलवाया यार, इसमें सैली शो नहीं किया यार, मूड खराब हो रहा है यार, पता नहीं उसने डाला है नहीं यार। पेट्रोल पंप पे ना कभी कभार ऐसे स्कैम हो जाते हैं, और मुझे पता है यार वो जो पेट्रोल पंप है ना यार वहाँ पे हमेशा ऐसा होता है यार मेरे साथ ना, अगली बार से मैं वहाँ पे जाऊंगा ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने दो तीन बार डलवाया यार, दो तीन बार मेरे साथ ऐसा हुआ यार। अब मुझे डर ये है कि यार इसमें पेट्रोल खत्म ना हो जाए यार। तो गाइस चलो आगे कोई चेक करेंगे यार, अगर कोई पेट्रोल पंप वगैरह आगे पड़ेगा ना तो हम वहाँ से फिलअप करवाएंगे दोबारा से अपनी हैंड टॉर्च में पेट्रोल। देखो यार सामने की भाई कितनी चढ़ाई आ गई है ना अभी यहाँ पे, इतनी चढ़ाई है भाई, यहाँ पे तो बॉम्ब राइड हो रही है यार। तो भाई लोग देखो सामने की भाई अब आ चुका है यहाँ से पहाड़ स्टार्ट वगैरह अब हो गया, और ये देखो यार कितना मस्त लग रहा है ना यार पहाड़ यहाँ पे। तो आपने दो तीन पहले ब्लॉग में भी देख लिया होगा वैसे तो, यहाँ से इतना भगाते हैं अपनी टोर को फुल टू फुल। अब चेक करना भाई लीन पे लीन लगेंगे यहाँ पे, ये चेक करो भाई कितना मस्त है यार। यहाँ पे ना मुझे ठंडे ठंडा सा महसूस होने लगा है, मेरे हाथ में ना ठंडी ठंडी सी हवा बहुत तेज लग रही है गाइस, बहुत तेज यार, और इतना अच्छा लग रहा है ना यार यहाँ पे, बहुत मस्त यार। यार यहाँ के पहाड़ों की ना बात ही अलग होती है यार, बात ही अलग। सामने चेक कर रहे हो यार कितना मस्त लग रहा है, ये चेक करो भाई ये यार कितना ओसम है यार। एक बार इन्हें यार थोड़ा लॉन्ग रूट पे जाना यार, बहुत मन कर रहा है यार लॉन्ग रूट पे जाने का ना, बहुत मन यार। आपको भी पता ही है कि यार एंटॉर्क पे ना लीन करना थोड़ा यार डेंजर सा होता है, कि यार लीन नहीं कर सकती यार, कर तो सकती है बट यार आपको पता ही है यार नीचे इसकी बॉडी टच हो जाएगी तो गाइस पक्का है यार गिरी जाएंगे यार, इसलिए ना यार मैं इस पे लीन ज्यादा मार नहीं रहा हूँ, बट जितना होगा उतना आपके लिए लीन मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा लग रहा है यहाँ से पहाड़ ना, बॉम्ब यार ना, ये ब्लैक ब्लैक धुआं छोड़ रही है पेचारो, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, फोर्ड की गाड़ी है गाइस, बहुत धुआं दे रही है यार ये ब्लैक ब्लैक ना, आपको शायद से दिख रहा होगा यार वीडियो में। बिना किसी देरी के निकलते हैं आगे अपनी राइड करते हैं कंटिन्यू, और आगे हम कहीं रुकेंगे थोड़ा सा ना, इस एंटोर को भी ब्रेक देंगे। ये यार ये देखो भाई यार इस ब्यूटीफुल यार, भाई मैं ना इस जगह का फैन हूँ यार, फैन नेचर भाई बहुत सही चीज है यार, नेचर ना भाई बहुत बढ़िया है यार। तो भाई लोग ये देखो यार कितना अच्छा लग रहा है यार, सामने से मुझे ना एक बिल्डिंग नजर आ रही है पहाड़ों के बीच में ना भाई, कितनी अच्छी लग रही है यार देखने में ना। तो यहाँ पे ज्यादा ना रुकते हुए निकलते हैं अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं फुल टू फुल स्पीड में, ये चीज देख के यार बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। भाई बहुत ठंडा सा लग रहा है यार यहाँ पे, तो सोचे नहीं थे यार इतनी ठंड सी लगेगी यहाँ। ये चेक करो भाई लीन चेक कर रहे हो, भाई लीन यार कितना बॉम्ब लीन है। अभी तो गाइस ये लीन कुछ नहीं है यार, अभी आगे लीन पड़ेंगे यार, फिर लीन चेक करना ना यार कितने बॉम्ब बॉम्ब लीन होते हैं ना। ओ कार वालों को आगे जाने देते हैं, क्योंकि भाई ये कार वाले जब मोड़ते हैं ना लीन पे भाई ये हमारी साइड के लिए आते हैं, ये देखते नहीं। गाइस यहाँ पे ना आज ना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि यार आज के दिन ना बहुत कम लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं। आई होप इस राइड पे आपको बहुत मजा आ रहा होगा यार। तो भाई आगे ना एक हिल स्टेशन पड़ता है धर्मपुर, और एक है कसौली, बस वेट उस दिन का जिस दिन हम उससे आगे जाएंगे, यानी कि भाई हमारा आगे का जब प्लान बनेगा तो उस दिन हमें आगे जाना है ना, तो भाई उस दिन का सबसे ज्यादा भाई बेटा बहुत उससे बेटा यार। अब चेक करते हैं कि भाई हमारा नेक्स्ट ट्रिप अच्छा सा लॉन्ग ट्रिप कब बनेगा। तो गाइस प्रिया और मैं और आप सब चलेंगे एक साथ में। ये देखो यार पूरा रोड खराब है भाई, पूरा रोड खराब नहीं है मतलब भाई यहाँ पे ना, जब आपको बताइए भाई पहले हिमाचल प्रदेश में कितनी वो आई थी भाई, कितना नुकसान हुआ था हिमाचल प्रदेश सरकार का ना, तो भाई उसी में से एक हिस्सा ये है भाई, ये पूरा रोड एकदम सही था। अब रोड की हालत देखो यार, रोड की हालत क्या हो गई है भाई, रोड ना इससे इसके साइड में आ रहा था, ये रोड तो बन भी नहीं रखा था, और अब देखो कि भाई पूरा ना उससे गिरा हुआ है यार। तो मेरा मन कर रहा है कि यार अगर कोई झरना वगैरह पड़े ना, कोई स्मॉल सा झरना, वहाँ पे मैं रोक के आपके लिए थोड़ा सा सूट वगैरह कूं। तो भाई लोग अभी ना अच्छी खासी धूप निकल रखी है, लेकिन यहाँ पर ना अभी भी ठंड सी लग रही है, क्योंकि यार ठंडा इलाका है और ठंडी ठंडी हवा पड़ रही है हाथों पे ना। खैर मैंने तो बाइजर वगैरह बंद कर रखा है, तो सर को तो हवा लगी नहीं थी, लेकिन हाथों को इतना अच्छा महसूस हो रहा है ना कि पूछे मत यार। ये देख रहे हो बीच में रोड पूरा खराब है। तो हमारा जो आज लास्ट डेस्टिनेशन है भाई वो रहेगा धर्मपुर। तो भाई धर्मपुर से मैं हो लूँगा वापस, और मैं आपको धर्मपुर भी चेक कराऊंगा एक बारी कि भाई धर्मपुर कैसा दिखता है, कितना अच्छा डेस्टिनेशन है वो। यार लीन पे लीन आ रहे हैं भाई, बड़े मस्त लीन आ रहे हैं यार। अभी ना मैंने कैमरा ऑफ कर रखा था थोड़ी देर पहले, और लीन इतने बॉम्ब लीन आ रहे थे ना, ये चेक करो यार ब्रिज। और भाई मुझे कमेंट करके सारे बंदे बताओ कि यार जो जो मेरा ब्लॉग देखते हैं कि भाई ब्लॉग अच्छे आते हैं नहीं आते हैं, और कि भाई ये बताओ कि आपको हाइपर राइड वाले ब्लॉग अच्छे लगते हैं
या फिर आपको ये घूमना फिरना अच्छा लगता है जो पहाड़ों पे हम घूमते हैं, या फिर आपको अच्छा लगता है जो नॉर्मली हम ब्लॉग बनाते हैं। भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ सबके साथ कि आपको किस टाइप का ब्लॉग अच्छा लगता है। और यहाँ से रह गया धर्मपुर लगभग 5 किलोमीटर दूर, यहाँ से थोड़ा सा दूर और रह गया, तो आज जो राइड रहेगी वो धर्मपुर तक ही रहेगी। आपको धर्म देख रहे हो सामने बोर्ड लग रखा है टूल गेट 500 मीटर, जब शिमला जाते हैं ना तो जब होता है ये ऑन। तो देखो भाई अपने सामने एंटोर खड़ी है अपनी जैसे सेम टू सेम। तो भाई सामने चेक करो यार, यहाँ पे लग रखे हैं कैमरे ऑनलाइन चलान के लिए। हाँ भाई ऑनलाइन चलान के लिए लग रखे हो। तो भाई ये सामने चेक करो, ये जा रहा है कसौली को रास्ता, ये सीधा कसौली जा रहा है भाई रास्ता ना। भाई दिल खुश हो गया यार, हम आ गए हैं धर्मपुर। तो भाई ये सामने चेक करो मंदिर, जय हो भोलेनाथ। तो भाई ये पूरा धर्मपुर है, ये उत्तर रेलवे धर्मपुर हिमाचल। तो भाई आप चेक कर सकते हो क्या ये है धर्मपुर, यहाँ से सामने से देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है। तो ये रेलवे स्टेशन है, अभी थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं ना। करो यार कितना अच्छा है ना यहाँ पे धर्मपुर रेलवे स्टेशन, तो सामने लिखा है धर्मपुर हिमाचल प्रदेश। भाई ये चेक करो यार ओवरऑल ब्यूटी यहाँ की ना, भाई कितना मस्त है यार। यहाँ पे तो कितनी लाइन है, 1 2 3 लाइनों का ट्रैक है भाई, और तीनों ना एक ही जगह में मिल रही है। तो इसकी ट्रैक देख रहे हो कितनी छोटी यार, बहुत छोटी ट्रैक है यार इसकी ना। भाई कितनी अच्छी ब्यूटी है ना यहाँ पे यार। अभी मैंने आपको थोड़ा धर्मपुर स्टेशन दिखाया, और अभी ये चेक करो भाई ये ब्रिज है यार, यहाँ पे दिखाता हूँ अभी ना अपनी आम ट्रैक से कितनी छोटी ट्रैक है यार, इतनी छोटी सी ट्रैक है भाई। भाई बड़ा मजा देखने में यार, देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना भाई। जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना प्लीज यार यहाँ पे आओ, आपको बहुत अच्छी चीज दिखेगी भाई। ये देख रहे हो यार कितना नीचे है यार, भाई बहुत नीचे है यार। सामने देखो भाई यहाँ से गिर रहा है पानी वगैरह। क्या भाई मुझे सारे कमेंट करके बताओ भाई आपको धर्मपुर रेलवे स्टेशन कैसा लग रहा है, यहाँ पे घूमने में आपको कैसा अच्छा लग रहा है। तो ये देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है धर्मपुर के घर वगैरह ना भाई, ओवरऑल ब्यूटी है यार। ये चेक करो भाई, ये देखो पहाड़ भाई यार, लॉट्स ऑफ लव हियर यार, लॉट्स ऑफ लव। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। तो भाई अभी तक मैंने आपको पूरा धर्मपुर रेलवे स्टेशन वगैरह दिखाया, आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। और भाई ये लास्ट धर्मपुर का, तो भाई यहाँ से हम ना वापस मुड़ जाएंगे। और भाई बेटा मुझे उस दिन का जिस दिन हम इस रास्ते से आगे की ओर जाएंगे भाई बहुत मजा आएगा यार। इस रास्ते से हम आगे कभी गए नहीं है, लेकिन भाई बहुत मजा आएगा जब हम इस रास्ते को आगे की ओर जाएंगे ना। तो अभी तो हम यहीं से लौट लेते हैं पीछे। तो भाई चलो पीछे मुड़ के फिर आपको मैं मिलता हूँ, ठीक है एंटोर पे। तो भाई एक बार ना यहाँ से हमें आगे जाना है भाई, एक बार तब बहुत मजा आएगा यार राइड करने का ना। भाई यहाँ से हम बस लौट रहे हैं पीछे की ओर ना। तो भाई देखो हम निकल चुके हैं अब यहाँ से, और हमने आज बहुत अच्छा फन किया यार। आई होप आपको भी अच्छे लग रहा होगा ब्लॉग के अंदर ना। तो भाई देख लिया होगा आपने धर्मपुर, और भाई कितना अच्छा था यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। यहाँ से तो भाई एंटोर्क ना ऐसी चली जाएगी भाई, इसको मैं ऑफ कर लू ना तो आराम से ये तोड़ती हुई चली जाएगी। लेकिन भाई आपको निकलना है यहाँ से अब थोड़ा जल्दी। तो अभी आपने देखा जब हम आ रहे थे वहां से तो वो टूल प्लाजा पड़ा था, अब यहाँ से जा रहे हैं तो ये वाला टूल प्लाजा है। दोनों का ना अलग अलग है, थोड़ा सा आगे पीछे है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे ना। भाई चेक करो कि भाई ये खड़ी अपनी एंटोर्क, और यहाँ से देखो भाई कितना सुंदर नजारा है भाई, कितना अच्छा व्यूज है यार ये। भाई देखो कितना अच्छा व्यू है, सामने सूरज की किरणें देख सकते हो, और वो रोड जा रहा है भाई सामने से ना, कितना मस्त हो रहा है ना भाई, सांप की तरह बनता जा रहा है भाई सामने रेल की पटली जो टॉय ट्रेन वाली है। और भाई व्यू चेक कर सकते हो यार, आई लव इट भाई, आई लव इट यार। ऐसे व्यूज ना यार बहुत कम ही मिलता है यार, कभी कभार देखने के लिए मिलता है भाई, आप ओवरऑल चेक कर सकते हो। और हम आए हैं इस अपनी प्यारी एंटोर्क पे, तो भाई चलो चलते हैं यहाँ से आगे भी, राइड अभी बहुत ज्यादा हमें कंटिन्यू करना है, तो भाई अभी बहुत आगे जाना है, तो अभी चलो चलते हैं यहाँ से। A few moments later. तो भाई सामने चेक करो भाई, मैं ना अभी यहाँ पे रुका हूँ थोड़ी देर के लिए ना, कुछ खा पी लेते हैं। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा खा पी के निकलते हैं भाई। भी आपको पता है मैं ना अभी यहाँ पे रुका था चाय पीने के लिए, तो गाइस आज यहाँ पे ना भाई बड़ा मजा आया यार, मैगी का एक चाय थी भाई बहुत टेस्टी थी यार, बहुत बहुत मजा आ रहा है भाई। ये सामने चेक करूँ गाइस, बहुत टेस्टी चाय यार बहुत। मैंने आपको इसकी लोकेशन सेंड करूंगा, आप यहाँ पे आके विजिट कर लेना कभी भी। तो गाइस खा पी के आप निकल चुके हैं, आप सामने चेक कर सकते हो, अब आगे अपने हाथ में एंटोर्क, अभी यहाँ से निकलते हैं गाइस। जो मैंने अभी यहाँ पे मैंगी वगैरह खाई थी वहाँ पे मैंने पॉइंट वगैरह डाल दिया है, आप सामने चेक कर ही रहे हो भाई। अभी ना आगे एक पत्थर सा आ गया था यार छोटा सा, यहाँ पे ना सबसे बड़ी डर यार यही रहता है यार, छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना वो टायर के आगे आते हैं ना भाई, एकदम से गाड़ी ना फिसलने का बहुत डर रहता है यार, बहुत डर रहता है। यहाँ चेक करो गाइस अपनी एंटोर्क को, देखते हैं यहाँ पे कितने निकालते हैं। सामने पड़ा है रोड बिल्कुल खाली, और यहाँ भगाते हैं अपनी एंटोर्क को ना पूरे फुल टू फुल मिले हुए ना, देखते हैं कितनी जाती है अपना एंटोर्क।
100 क्रॉस कर दी गाइस, 100 क्रॉस कर दी, 100 क्रॉस नहीं हुई गाइस, 100 क्रॉस नहीं हुई। लास्ट स्पीड यार 100 ही रह गई यार, 100 पे अटक गई थी यार अपनी हैंड टॉर्क ना, बाकी भाई 100 तक तो पहुंचा दी यार, आपको पता ही है। यहाँ पे देखते हैं हैंड टॉर्क कितनी टच कर पाएगी, 100 कर पाएगी, 101, 100 तो गाइस ऐसे भगा रहे हैं अपनी हैंड टॉर्क को ना, 101 तो चलेगी गाइस, 100 तो ऐसे चल रही है यार हैंड टॉर्क भाई, गाड़ी नहीं यार बहुत मस्त चीज है भाई, ऐसे चल रही है बस, इसको ना थोड़ा सा मेंटेन करके रखो और भाई इसको पेट्रोल पिलाओ और फिर इसको भगाओ भाई, इसकी खुराक रखो बस यार, बाकी तो भागने का काम तो अपने आप ही संभाल लेती है भाई। अब हम पहुंचने वाले हैं पिंजौर वाले को, जो रास्ता कट जाता है ना उसी रास्ते पे हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा दूर और रह गए, अब थोड़ा सा दूर रहने के बाद में फिर फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाएगा और आपको पता ही है रोड तो अपना है खतरनाक। निकालते हैं, यहाँ पे टच हो गई, 100 टच कर देगा इस टच, 102, 103, 104, 103 पे अटकेगा इस, 103 पे अटकेगा इस, 104 वगैरह नहीं हुई यार, 104 क्यों नहीं होती यार इसके 100। भाई सामने चेक करो कि यार ये जा रहा है पिंजौर को रास्ता और ये जा रहा है सीधा पंचकुला चंडीगढ़ को, तो हमें पिंजौर तो जाना नहीं पंचकुला चंडीगढ़ जाना है। अंकल जी देख लिया करो, ओ भाई सामने चेक करो यार ये क्या सिस्टम है रे, हैं भाई क्या हाल हुआ है रे बस का। यहाँ पे ना यार फ्लाईओवर भेज सके यार, लेकिन यहाँ पे ना बबलिंग बहुत है यार, यहाँ पे ना छोटे मोटे से गड्ढे वगैरह ऐसे हैं, तो गाइस यहाँ पे ना गाड़ी बबल कर रही है। अब यहाँ से थोड़ी सी दूर पड़ रहा है अपना फेवरेट ब्रिज, ये चेक करो भाई, ये चेक करो, मैं बीच में चलाता हूँ, अब आपको मजा आ रहा होगा ना देखने में, आप बीच में चल रही है एंड टॉर्क ना, आप दोनों साइड से आपको ना अच्छा व्यूज आ रहा होगा आई थिंक। चलो यार यहाँ से निकलते हैं गाइस, देखो अपने सामने अपने लिए जगह बनी है, कहाँ से निकल रही है अपनी एंड टॉर्क ना, मजा आ रहा है भाई मजा आ रहा है। ये खड़े करते हैं सबसे ए ए ए आगे, 5 4 3 2 1 लेट्स गो गाइस लेट्स गो, हमें हरी बत्ती मिल गई है, हरी बत्ती। ये सामने चेक करोगा इस, मुझे लग रहा है ना ट्रक यहाँ लेके आएगा, क्या मुझे पता था ये ट्रक यहीं लेके आएगा, दूर से पता लग जाता है यार, गाड़ी का अनुमान लगाना पड़ता है कि यार ये गाड़ी कहाँ मुड़ सकती है और कहाँ जा सकती है, तो भाई हर चीज को देख के चलना पड़ता है एक राइडर भैया को ना। देखो भाई सामने से आंटी लोग कैसे देख रही है मुझे, देख लो आप कैप्चर हो गए, आप यूट्यूब पे आओ आंटी जी, आपने मेरा चैनल सर्च करना करण वर्सन के नाम से, तो भाई सामने चेक करो बस कैसे जा रही हो, ड्राइवर भैया भी बैठे हैं इसके अंदर, हो भाई क्या सिस्टम है भाई। अब यहाँ पे अपने पकेगी फुल टू फुल एंड टॉर्क ना, आप बस चलने दो अपनी एंड टॉर्क ना, अब आते हैं ना यहाँ पे आएंगे मजे एंड टॉर्क भगाने के ना। पहले यार आज क्या है यार, आज मेरे समझ ही नहीं आ रहा भाई, कहीं एक बस को पीछे से खींच रहे थे, दो तीन बस, दोबारा चेक करो यार ये भी बस ऐसी खड़ी है और ये भी किसी सहारे से चल रही है बेचारी, यार आजकल बसों में पता नहीं क्या होता जा रहा है यार, यार डर सा घन 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 जैसी आवाज आती है ना इसकी। और यहाँ पे तो चलने दो भाई, यहाँ पे तो हैंड टॉर्क पड़ी है खाली बिल्कुल ही, रोड भी खाली है, 100 तो क्रॉस कर देगा इस, अभी 101 102, अब थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है आगे, नहीं गाइस स्लो नहीं करते हैं, सीधा भगाते हैं ना हैंड टॉर्क को, अब 100 ही चल रही है गाइस, यहाँ पे 100 ही सिर्फ 100 से क्रॉस, 99 यार स्पीड में चल रही है लेकिन चल रही है 98 यार, ये क्या इम्पॉसिबल यार, इसको तो मैं यार भगा रहा हूँ यार फिर भी यार 98 कम हो रही है स्पीड बट यार ऊपर नहीं जा रही यार, ये क्या बात हुई यार, समझ नहीं आया मुझे ना इसके कुछ रोला थोड़ा ये यार गाइस हो क्या रहा है। मैंने अभी आपको 3 बस दिखाई ना टोटल, तो देखो गाइस चौथी बस देखो यार, चौथी बस देखो ये कैसे जा रही है यार, आज सारी बसों का वो निकला है क्या, शादी शुदी है क्या सारी बसों की, तो भाई ये भी बहुत पुरानी बस है यार, मेरे को लग रहा है आज ना बसों का सबका भंडार खुला है तो ये इसीलिए खराब हो गया। सामने देखो भाई अपना इंडियन फ्लैग, भाई कितना सुंदर लग रहा है ना अपना इंडियन फ्लैग यार, बहुत मस्त यार, तो भाई ये ना, तो भाई लोग देख रहे हो सामने से किरने पड़ रही है और कितना मस्त लग रहा है यार, आज की राइड जो थी ना यार बहुत अच्छी थी यार, बहुत फन किया यार। तो गाइस आपको पता है भाई सुबह निकले थे ब्लॉग के लिए, अब हो गया 5:38 और गाइस मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है, तो आपको पता है क्या करना, लाइक कमेंट शेयर एंड जो न्यू है अपने भाई चैनल पे तो भाई आप सब्सक्राइब भी कर देना। गाइस इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट बॉम्ब से प्यार से ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा इंटरव्यू।